और मैंने श्रीवास्तव ने पिलाई मिर्जा से। आज हजारीबाग से हमारे रिपोर्टर पंकज भारती ने जब लाखों के लागत से निर्माण पंचायत भवन की ओर जाने वाली रास्ते की दुर्दशा का भेद खोला तो बहुत कुछ सामने आया, जैसे कि लोगों को जाने के लिए रास्ता नहीं, लोगों को हो रही परेशानी। दरअसल यह घटना गिरिडीह जिले के जमुआ प्रखंड अंतर्गत मेरे चप्रहो की है, जहाँ की पंचायत भवन जाने के लिए इतनी घटिया और जर्जर रास्ता है कि लोगों को जाने आने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो चलिए सुनते हैं वहां से सीधे ग्राउंड रिपोर्ट पंकज जी से। अब जब नेता को चलने के लिए सही सड़क नहीं है तो गांव की जनता को चलने के लिए सड़क कहां से मिलेगी? अभी हम जमुआ प्रखंड के अंतर्गत मेढ़ो चप्रखो पंचायत में है, जहाँ की आपको दिखा रहे हैं कि देखते हैं तीन बार मुखिया चुनाव हो चुकी है, पंचायत राज्य चुनाव हो चुका है, बट यहाँ की इतना भ्रष्टाचारी है कि पंचायत भवन जाने की रास्ता तक भी सुरक्षित नहीं छोड़ा है। इन यहाँ तमाम जो पूर्व मुखिया थी, वर्तमान मुखिया है, इन्हीं को ध्यान में ये चीज़ को नज़र नहीं आता है कि इतना घटिया रास्ता का निर्माण किया गया है कि एक गाड़ी अगर किसी तरह फोर व्हीलर जाने की इच्छा हो या तो किसी जनता को पर डे यहाँ आने के लिए सैकड़ों जनता लोग आते हैं, लेकिन यहाँ का रास्ता इतनी जर्जर स्थिति है कि पंचायत भवन जाने से पहले लोग यहीं दुढ़क के गिर जाते हैं। यहाँ का वर्तमान मुखिया से निर निवेदन यह होगा, ये तो पूर्व मुखिया जो कर गए उस काम को सुधारने का कृपया प्रदान करें। सरकार से अपील होगा कि जल्द से जल्द हमारे यहाँ इस रास्ते को निर्माण भोग निर्माण किया जाए, ताकि यहाँ के लोग कोई जो गिरते पड़ते नज़र आ रहे हैं यहाँ का कुछ ना कुछ बेसिक तरह से ठीक ठाक किया जाए। ये आप देख रहे हैं कि इस रास्ता का जो जर्जर स्थिति को देख रहे हैं, पानी लगा हुआ है, ये आप रास्ता नहीं, इसे नाला कर सकते, इसे नाला का निर्माण किया जा रहा है। हमारा मेढ़ो चप्रखो पंचायत का इतनी दयनीय स्थिति है कि हम चाहते हैं कि जो इस चीज़ को सुधार जल्द से जल्द किया जाए। धन्यवाद। इतना खराब है तो इतना खराब है।